नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक कहावत है कि मंजिलें उसी को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों आज के कमेंट बॉक्स में आपके बहुत सारे हमको कमेंट मिले हैं। हर वीडियो पर कुछ ना कुछ लोग कमेंट करते हैं, जिनकी क्वेरी होती है, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कुछ पूछने का प्रयास करते हैं, और किसी को सिलेबस से संबंधित दिक्कत होती है तो वो भी जानने का प्रयास करते हैं। और आज का हमारा संडे कमेंट बॉक्स इन्हीं सब बातों पर निर्भर है। बहुत सारे कमेंट मेरे पास हैं, अभी वो पढ़ने वाले हैं। और हमारा इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है कि जो आपकी समस्या है, ठीक है, हम चाहें तो उसका पर्सनली जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि हो सकता है कि ये समस्या उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ना होकर के कुछ और लोगों की हो। तो मैं चाहता हूं कि वो समस्या अगर किसी और की भी है तो उसका अगर एक सामूहिक निदान कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि अगर और भी इस समस्या से लोग पीड़ित हैं या ग्रसित हैं तो उनकी भी समस्या का निदान हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसे ही हमारा उद्देश्य है कि इसके माध्यम से जो भी 15-20 मिनट का आधे घंटे का वीडियो बनता है तो इसको आप जरूर देखें और उसकी चीजों को समझें। हो सकता है कि आपकी भी समस्या हो लेकिन आप उसको इजहार ना कर पाते हो, कह ना पाते हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पहले हमारे आज के शिकायतकर्ता हैं या पूछने वाले हैं, अंजेश पटेल जी हैं। कहते हैं सर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के करंट टॉपिक्स के वीडियो भी बनाएं, सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे कि जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो करंट के टॉपिक पॉलिटी के, ठीक है, उन पर एक हम वीडियो बना देंगे, आप लोग को समझा देंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है सोनल जायसवाल जी ने, कहती सर मैं यूपी पुलिस 2016 में ज्वाइन किया है, 69,000 में फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया है, मैं पुलिस के जॉब से बाहर निकलना चाहती हूँ बट इस जॉब का कोई शेड्यूल नहीं है, बहुत दुखी और परेशान रहती हूँ, सही गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण सही डायरेक्शन में स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज सजेस्ट मी सर। देखिए जॉब है वो भी पुलिस की जॉब है तो मानता हूँ, और आप वो भी महिला हैं तो हो सकता दिक्कत होती हो ड्यूटी कब है, और दूसरी चीज पुलिस की नौकरी तो ऐसी होती है कि 24 घंटे ड्यूटी होती है, कब कहाँ पर जाना पड़े कुछ पता नहीं होता है, तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। तो इसका देखिए समाधान तो मैं यही बता सकता हूँ कि आपके पास जो भी समय मिलता है, जो भी आपकी ड्यूटी के अलावा जो समय आपको मिलता है, आप रूम पर रहते हैं, घर पर रहते हैं, कोशिश करिए पढ़ाई करने का प्रयास करिए, टाइम को मैनेज करिए, और फिर भी अगर नहीं हो पाता है और अगर आप वास्तव में अधिकारी बनना ही चाहते हैं और आपके अंदर जुनून है, पढ़ने का अभी भी जज्बा है, उतनी लगन है और आप में लगता है कि मैं भी कर सकती हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप मेडिकल लेकर के या फिर छुट्टी लेकर के आप तैयारी करें, और ज़्यादा नहीं, आप पहले 1-2 महीने की छुट्टी लें, उसमें आप तैयारी करें, और उसमें अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर आप अपनी छुट्टी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए जॉब में रह करके अगर प्रॉपर तैयारी की जाए तो ये संभव नहीं है, ठीक है, ये अपने साथ धोखा होगा, बेईमानी होगी, मैंने भी नहीं कर पाई थी, ठीक है, मैं प्राइवेट जॉब में था पहले, ठीक है, लेकिन समय मिलता था पढ़ाई के लिए लेकिन उतना नहीं मिल पाता था जितना मिलना चाहिए, इसलिए मैंने स्वयं जॉब को रिजाइन किया था और इसके बाद तैयारी करने आया था। नेक्स्ट कमेंट है राम सुरेश चौधरी जी का, सर जी एग्जाम अब पास आ रहा है, प्लीज एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाइए, अब कैसे रीड किया जाए। बिल्कुल हम बनाएंगे, और मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है जल्दी ही आयोग अगर डेट घोषित कर दे तो मैं फिर सोच रहा हूँ कि डेट को टारगेट करके फोकस करके पूरा शेड्यूल बनाया जाए कि कितने टाइम में हमको पढ़ना है, ठीक है, मैं इस पर बनाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा चिंता है। धर्मेंद्र वर्मा जी कहते हैं सर आपसे अनुरोध है कि आप मेडिकल के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। देखिए मेडिकल मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि मेडिकल कुछ नहीं होता, उसमें स्टेप का कोई मतलब ही नहीं है, नॉर्मल है, आप अपने जिला अस्पताल या मंडल अस्पताल में जाएंगे जो CMO होता है, ठीक है, वो आपका मेडिकल बना देगा, मतलब कुछ भी वहाँ चेक वेक नहीं होता है, ठीक है, मतलब कोई यहाँ कोई सेना का या आर्मी का मेडिकल नहीं हो रहा है, मतलब कि हर चीज आपको जो है देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मेडिकल में ऐसा कुछ होगा, कुछ भी ऐसा विशेष नहीं होता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। शैलेंद्र राज जी कहते हैं सर प्रणाम, प्लीज सर मेरा कमेंट शामिल करें, सर जो RO AR का पेपर 3 मई को होने वाला था क्या उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे
वो वही रहेंगे या उनमें अब आगे का भी करंट अफेयर शामिल किया जाएगा? सर इतने दिनों से पेपर आयोग के पास है तो हेरा फेरी होने की संभावना तो नहीं रहेगी? देखिए आयोग के पास है, मैं जानता हूँ कि आयोग के पास पेपर है तो सुरक्षित ही होगा, या जहां पर भी पेपर है वो सुरक्षित है, ठीक है। अब दूसरी बात है ना कि पेपर उसमें बन पाए थे कि नहीं बन पाए थे ये भी मायने रखता है, ठीक है। अगर बन गए होंगे तब तो वहीं तक का करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। मान लो नहीं बना होगा, नया पेपर बनेगा तो फिर नया भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पेपर आप जो हेरा फेरी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान ना हो, ठीक है। आप अपनी मेहनत पर, अपनी ईमानदारी पर, अपने समर्पण पर पूरा भरोसा रखिए, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं पर हेरा फेरी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंचन गौतम जी कहती हैं, सर यूपीपीएससी और आरओ के फॉर्म में स्पेशल पोस्ट का क्या रोल होता है? इसे भरना जरूरी होता है क्या? प्लीज इसे जरूर क्लियर करिएगा। देखिए स्पेशल वैकेंसी वो होती है विशेषता, जिससे कुछ जिनको हम बैकलॉग की वैकेंसी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो वो बेसिकली एससी एसटी हो सकती हैं, या फिर किसी जो है विकलांग वर्ग से, या फिर जो है ओबीसी वर्ग से हो सकती हैं, ठीक है। तो वही उन्हीं को स्पेशल वैकेंसी कहा जाता है। तो मान लो वो वैकेंसी कहीं पर खाली है, या मान लो पिछली भर्ती में खाली रह गई है, तो उनको नई भर्ती में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उनको कहा जाता है बैकलॉग की या स्पेशल वैकेंसी, ठीक है। अगर मान लो एससी एसटी की स्पेशल वैकेंसी है और आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप उसको भर सकते हैं, है ना। ओबीसी की अगर बैकलॉग की वैकेंसी स्पेशल वाली नहीं है, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप उसको भर सकते हैं। सभी नहीं भर सकते हैं, यानी जो उस कैटेगरी में आएगा वही उनको भर पाएगा। आरबी यादव जी कहते हैं, सर मेरे डॉक्यूमेंट में 12th तक रामवीर सिंह नेम है, लेकिन बीए और एमए में यादव और ऐड हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम है वही नाम मान्य माना जाएगा। आगे की मार्कशीटों में या प्रमाण पत्रों में कुछ ही परिवर्तन हुआ है तो इसके लिए आप एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र बनवा करके आप जमा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल परेशान ना हो। विपिन यादव जी कहते हैं, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज 42वें और 44वें संविधान संशोधन पर एक वीडियो बना दें। बिल्कुल बना देंगे, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करूंगा। श्वेता जैन जी कहती हैं, सर जी प्रणाम। सर जी एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है, अच्छी आपकी वीडियो से बहुत हेल्प भी मिल रही है। पिछले कई एग्जाम में बॉर्डर लाइन पर आकर रह जाता है, नेक्स्ट आर ओ एंड पी सी एस देना है, मन में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, ऐसा कुछ लिखना चाह रही हूँ, साथ ही कमी नहीं लिखा है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही, कैसे दूर हो, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए अगर आपका उद्देश्य, आपका गोल, आपका लक्ष्य अगर सामने है और आपका ध्यान 24 घंटे उसी पर केंद्रित है तो फिर कोई परेशानी आने की बात की नहीं है, है ना। आपने सबसे जो धनुर्धर अर्जुन का नाम सुना होगा, अर्जुन से जब उनके गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा था सिर्फ मुझे मछली की या पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। जबकि अन्य शिष्यों से पूछा तो किसी ने कहा कि मुझे पक्षी का पंख दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, उसका सिर दिख रहा है, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। इसलिए आपको भी सिर्फ और सिर्फ अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। जब तक आप अर्जुन की तरह निशाना नहीं साधेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए परेशान बिल्कुल भी ना हो, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ तैयारी करें, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको मॉर्निंग में कहानी सुनाई थी उसको आप फिर से एक बार सुने, पेशेंस बनाए रखें, सब कुछ अच्छा होगा और आप जरूर सफल होंगे। शिखा गोस्वामी जी कहती हैं, सर प्लीज बताएं 2016 का समीक्षा अधिकारी एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो तो? मैंने पिछले टाइम बताया था कि आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, upsc.nic.in पर लेफ्ट साइड में कई सारे सेगमेंट होते हैं, वहां पर नीचे से आप देखेंगे शायद दूसरा या तीसरा सेगमेंट होता है, लिखा होता है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, उस पर क्लिक करेंगे, अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स मेल या फीमेल डालेंगे और क्लिक करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, तो उसमें जितने भी आपने अभी तक लोक सेवा आयोग फॉर्म सबमिट किए हैं, जमा किए हैं, सारा डिटेल आपके पास आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। सूरज प्रजापति कहते हैं, प्रणाम सर जी। सर आज का क्लास तो बहुत ही मस्त रहा, अभी तक पॉलिटी में एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जो संविधान संशोधन है, उससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बार फिर थोड़ा स्पीच कर दीजिएगा संडे को सर। अच्छा देखिए संविधान संशोधन वाला जो मैंने आपको बताया था
उसमें यह आपको रखना याद कि संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है और यह विधेयक कौन सा था, ठीक है, और वो अधिनियम किससे संबंधित है, क्या किया गया, जैसे कि 99 संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, एनजीएससी से है, ठीक है, 101 मां किससे है, जीएसटी से है, ठीक है, तो वो विधेयक किससे संबंधित है, कब पारित किया गया है, ठीक है, या फिर उसके संबंध में कोई विशेष तथ्य अगर है तो उसको भी आपको याद करना होगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था, पूरा डिटेल बताया था, ठीक है, तो जितनी बातें मैंने आपको वहां पर बताई हैं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न वहीं से बनेगा। कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है तो कभी कभी कथन कारण में प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है, लेकिन आपके पास अगर पर्याप्त जानकारी है तो प्रश्न कैसा भी घुमा के पूछा जाए आप उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, श्रीराम चौहान जी कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र कब तक का होना चाहिए? सर, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी तो क्या मार्कशीट से काम चल जाएगा, प्लीज सर बताइएगा। देखिए, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपका चाहे जब का हो कोई समस्या नहीं है, बशर्ते वो इंटरनेट पर शो होना चाहिए, ठीक है, चूंकि सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, चाहे आपने चाहे जहां से बनवाया हो उसका जो एक जो क्रमांक होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो नंबर डालने से आपका नेट पर शो होना चाहिए, वो चलेगा, ठीक है। और दूसरी कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन डिग्री नहीं, हाँ देखिए, डिग्री तो बहुत जरूरी है, मार्कशीट से काम चल जाएगा, लेकिन आप जब तक डिग्री सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपको प्रोविजनल रखा जाएगा, आपकी जो भी आगे की कार्रवाई है वो बढ़ाई नहीं जाएगी, ठीक है, इसलिए मार्कशीट और डिग्री होना बहुत जरूरी है। जो जो क्वालिफिकेशन आप दिखाते हैं उसकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र का होना बहुत जरूरी है, चाहे बीए हो, एमए हो, चाहे ओ लेवल हो, चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन हो, मार्कशीट के साथ डिग्री होना जरूरी है। अतुल गुप्ता जी कहते हैं, सर आपसे इतना लगाव हो गया है कि आपका वीडियो नहीं मिलता है तो बेचैनी होने लगती है। शायद एक दिन मुझे शाम को वीडियो नहीं मिल पाया था तो अतुल गुप्ता जी काफी परेशान हो गए थे। चलिए, ये तो आपका प्यार है, आपकी महानता है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अतुल गुप्ता जी हमारे बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं, हमेशा कमेंट करते हैं, हमारी इनसे बात भी हुई एक दो बार, तो अच्छी बात है मेरे लिए कि आप हमारे वीडियो को इतना पसंद करते हैं, उसका इंतजार आपको रहता है और मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम पर ही आपको उपलब्ध कराऊं, लेकिन कभी कभी थोड़ा व्यवधान हो जाता है, आप समझ सकते हैं, मैं अकेला हूँ, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सहयोग करिए, ठीक है, आपने भाई को आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो बताइए फिर कैसे काम चलेगा, सहयोग करिए मुझे प्लीज। अजय मौर्य जी कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि न्यू स्टूडेंट मतलब UPPSS की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कौन सी बुक मैगजीन पढ़नी चाहिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी मार्गदर्शन करें, क्योंकि हर कोई अलग अलग बुक्स बताता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। इनका देखिए कमेंट बहुत अच्छा है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी चैनल से नए जुड़े हैं, तो मैं इनको और इनके साथ साथ जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए मित्र हैं, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि सिविल सेवा के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़ें, मैगजीन कौन सी पढ़ें, न्यूज़पेपर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं और लेखनी कैसे सुधारें, ऑप्शनल विषय का चयन कैसे करें, पढ़ाई में कैसे मन लगे, RO/ARO की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, PCS की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस क्या है, मुख्य परीक्षा सिलेबस क्या है, कट ऑफ अंक कितना जाता है, ये सारे के सारे वीडियो हम बना चुके हैं और सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखा है, सबका PCS का अलग है, RO/ARO का अलग है, निबंध का अलग है, साइंस का, पॉलिटी का, करंट अफेयर्स का, भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, विश्व की जनगणना, एवरीथिंग, सब कुछ, करीब 220 वीडियो वहां पर उपलब्ध है, लगभग 220 वीडियो उपलब्ध हो गए हैं चैनल पर, आप उनको देखिए, मुझे लगता है आपको पूछने कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी चीजें हमने वहां पर विस्तार से क्लियर की हैं, चाहे ऑप्शनल का चयन करना हो, चाहे किताबों वाली बात हो, जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, आप किसी से कुछ मत पूछिए, 10 लोगों से पूछेंगे 10 तरह की बात बताएंगे, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप चैनल पर जाइए, बुक लिस्ट वाला जो भी आपको देखना है आप वहां से देखिए, सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। अजय मौर्य जी, आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे। अजय वर्मा जी कहते हैं, नमस्कार सर, आपके वीडियो हम सभी की तैयारी के लिए बड़े ही उपयोगी हैं और इन वीडियो में आपकी मेहनत नजर आती है। सर, मैं आपके सारे एजुकेशनल वीडियो एक क्रम से देखना चाहता हूं जिससे कि कंटेंट की तारतम्यता बनी रहे,
इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कृपया मार्गदर्शन करें, क्योंकि और भी कई नए लोग जो आपके चैनल से जुड़े होंगे उनको भी मेरी तरह ये जरूरत महसूस होती होगी। इसी वजह से मैं आपसे आपके वीडियो पर सीरियल नंबर देने की बात करता हूँ। इस बारे में आप जरूर से जरूर कुछ बताने की का कष्ट करें। अभी जस्ट मैंने बताया है, ठीक है, कि आप चैनल पर जाइए, हर विषय की, हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे करंट के टॉपिक हो, ठीक है, या फिर वो संविधान हो, साइंस, मतलब हर चीज का एक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आप जाइए, सब कुछ आपको क्रम से मिलेगा, ठीक है, क्रम होगा पूरा, मतलब कि कौन सा वीडियो पहला डाला गया है, और वहां पर आप देखें कि पूरा आपको डेट वाइज मिल जाएगा कि कौन सा वीडियो किस डेट पर डाला गया, ठीक है। और जो क्रम की बात है तो वो हम करंट अफेयर्स में क्रम, करंट जो है वो क्रम डाल रहे हैं, जो सीरियल नंबर है वो करंट अफेयर्स की वीडियो में डाल रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वालिटी में क्या है, वहां तो टॉपिक हम डाल देते कि आज वाला, आज का टॉपिक क्या है, ठीक है। तो अगर आप उसमें भी क्रम देखना चाहते हैं तो वहां पर अपडेट देखिए कि जो है कितने दिन पहले अपलोड किया, कोई अगर 4 दिन पहले है तो वो पहले का है, 3 दिन पहले है मतलब उसके बाद का है, 2 दिन पहले का है तो और उसके बाद का है, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। बीनू मौर्य जी कहते हैं, सर इस्टीमेट कमेटी में जो सदस्यों की संख्या 30 है, इसमें कितने लोकसभा के और कितने राज्यसभा के होंगे, ये कंफर्म नहीं हुआ। अरे बीनू मौर्य जी, हमने बताया आपको कि जो हमारी प्राकलन समिति है, इस्टीमेट कमेटी है, उसमें 30 के 300 सदस्य लोकसभा के ही होंगे। आप फिर से एक बार वीडियो देखिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैंने बताया बाकायदा और डिटेल में बताया कि 30 के 300 सदस्य लोकसभा के होंगे और लोकसभा के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष चुना जाएगा, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन, आप फिर से देख लीजिएगा। और ये अगला कमेंट है सोनल जायसवाल जी का, सर मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है आपकी महानता को डिफाइन करने के लिए, कोटि कोटि नमन आपको सर। मैं तो रुक गई थी बट आपके पढ़ाने से एक बार फिर से तैयारी में जुट गई, थैंक्स ए लॉट सर। धन्यवाद सोनल जी। और आप रुक गई थी, बिल्कुल मत रुकिए, ठीक है, क्योंकि रुकना तब तक नहीं है जब तक कि मुझे मंजिल प्राप्त नहीं है, कर लेना, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक हमको रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है जब तक कि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाते हैं, ठीक है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम आपके पूर्ण सहयोगी हैं, जितना भी हमसे हो सकता है, और जो भी हमारी नई टीम बनने वाली है वो आपके लिए प्रयास करेगी। और जैसे ही हम लखनऊ पहुंचेंगे आपके लिए कुछ नया करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसलिए आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और इंतजार करिए उन चीजों का। अंकित अग्रवाल जी कहते हैं, सर अगर किसी रिक्रूटमेंट फॉर्म में मोहल्ला का नाम नहीं लिखा था बट आधार में मोहल्ला का नाम भी ऐड करा लिया है, तो अटेस्टेशन फॉर्म में न्यू आधार वाला एड्रेस भरेंगे या जो रिक्रूटमेंट फॉर्म में भरे थे विदाउट मोहल्ला नेम वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मोहल्ला आप डालें या ना डालें, ठीक है, बिल्कुल, आप अगर आप नया आपका मोहल्ला बन गया है तो आप बिल्कुल डाल दीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है ना कि जो आपका गांव है या तहसील है, थाना है, जिला है, ठीक है, वो मायने रखता है, ठीक है, मोहल्ला है कभी नहीं है, किसी का नहीं होता है, ठीक है, और पिन कोड आपका ये जरूरी होता है, जिला कौन सा है, ठीक है, थाना क्या है, आपका तहसील क्या है, ये सारी चीज जरूरी होती है, तो एड्रेस में कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा जो आपका पत्र व्यवहार का पता होता है तो उसको आप सही भरें, ताकि आपका अगर कुछ भी आयोग से लेटर वगैरह भेजा जाता है तो आराम से वो प्राप्त हो सके, ठीक है, क्योंकि जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो आपके घर के यानी कि पत्र व्यवहार के पते पर ही भेजा जाता है। अनामिका तिवारी पूछ रहे हैं, सर आप लाइव क्लास कब लेते हैं? हाँ, ये देखिए एक आपको सूचना दे दी कि अब हम सोच रहे हैं कि जल्दी ही आप लोगों से लाइव भी हम रूबरू कम से कम हफ्ते में एक बार तो आपसे लाइव मिलाकर, ठीक है, उसके लिए हम सिस्टम बना रहे हैं कि कैसे लाइव आया जाए, तो मैं जल्दी ही आपको इसकी सूचना दूंगा कि हम अब लाइव भी आएंगे और हमसे आप लाइव प्रश्न पूछ सकते हैं, और मतलब जो भी आपकी समस्या आप पूछेंगे तुरंत मैं आपका जवाब दूंगा। नेक्स्ट हर्षित शर्मा जी कहते हैं, सर थैंक्स फॉर अरेंजिंग दिस सेशन एज दिस बोथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन सेम इलेक्शन, आप हम सबका बहुत ध्यान रखकर ही नोट्स बनाते हैं जिससे हमें याद रखने में आसानी हो, थैंक्स सर। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है जितनी आसानी से पढ़ा सके, जितनी आसान और सरल भाषा में आपको बता सके, ठीक है। बाकी वीडियो तो बहुत सारे यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, किताबें बहुत सारी हैं, आप कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा मतलब है
कि हमें अपनी बात को इतनी आसान भाषा में बता करके आपके दिमाग में बैठा देनी है, ताकि वो दोबारा निकलने का प्रयास ना कर पाए, आजीवन आपके दिमाग में बैठी रहे। तो यही हमारा जो उद्देश्य है। सुनील पांडे जी कहते हैं, सर आपके सारे वीडियो में कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है, धन्यवाद। शिखा गोस्वामी जी कहती हैं, सर प्लीज 2016 समीक्षा अधिकारी एडमिट कार्ड के बारे में बताएं। देखिए एडमिट कार्ड पहले तो डेट घोषित हो कि परीक्षा कब होगी। आई थिंक अगस्त में परीक्षाएं हो सकती हैं, मे बी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, क्योंकि सरकार ने कहा कि जुलाई में जो भी शैक्षणिक संस्थान है वो खोले जाएंगे, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त में या फिर सितंबर में परीक्षाएं होने की संभावना है। तो परीक्षा यानी परीक्षा डेट से 15 दिन पहले, ऐसे 12 या 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है, और तभी आएगा, तभी कुछ नहीं बता सकते हम कि कहाँ पर क्या होगा। महेंद्र कुमार जी कहते हैं, सर जी कल शाम को करंट का वीडियो नहीं दिए, उसकी जगह साइंस को पढ़ा दीजिए। अब देखिए करंट का वीडियो अगर नहीं दिए, इसका मतलब मेरे पास समय नहीं था इसलिए नहीं दे पाए, ठीक है, बाकी मैं साइंस ही पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सोनीपाल जी कहती हैं, आज तक ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाया, आप इतने सरल तरीके से पढ़ाया, आप गॉड गिफ्टेड हैं, आप हम जैसे गरीब स्टूडेंट के लिए भगवान से कम भी नहीं है, आपको दिल से थैंक यू, बस साथ मत छोड़िएगा, हम कामयाब होंगे एक दिन, आरओ में आपसे जरूर मिलूंगी, थैंक यू सर, आपको विष्णु भगवान और शक्ति दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात कही, हमको भगवान जी और शक्ति दें, लेकिन मैं आप लोगों की भगवान बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं कौन होता भगवान होने वाला, मैं तो आप लोगों का साथी हूं, भाई हूं आपका, मित्र हूं आपका, दोस्त हूं, ठीक है, और हम आपकी सहायता के लिए बनाए गए हैं कि आपकी हेल्प कर सके, आपको पढ़ा सके, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने जो भी मुझे ज्ञान दिया है या जो भी मुझे चीजें दी हैं, मैं उनको अपने पास सीमित नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ उनको फैलाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, बस यही मेरा उद्देश्य है। हम ज्ञान को फैलाना चाहते हैं, तो ये ज्ञान की ज्योति है, शिक्षा की ज्योति है, इसको हम जलाना चाहते हैं और इसका प्रकाश जहां जहां तक फैले वहां तक हम फैलाना चाहते हैं, और इससे सभी लोग प्रकाशान्वित हों। सुरभि गुप्ता जी कहती हैं, थैंक यू सर, सर जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, सर करंट में यूपी के करंट भी साथ में करा दीजिए और यूपी बजट भी करा दीजिए प्लीज सर। सर पॉलिटी के बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? देखिए यूपी का करंट, यूपी का स्पेशल हम पढ़ा चुके हैं, आपने शायद वीडियो नहीं देखा है सौरभ गुप्ता जी, आप जरूर देखिएगा। यूपी बजट, भारत सरकार का बजट, दोनों हम पढ़ा चुके हैं, सारे वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देखते नहीं है, मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप चैनल पर विजिट करिए, ठीक है, आप भले ही रेगुलर व्यूअर्स हैं लेकिन आप चैनल पर एक बार विजिट करिए और ये देखिए कि क्या क्या पढ़ाया गया है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, एक बार आप जरूर देखिएगा, सभी से मेरा ये निवेदन है। ये इनका अंतिम कमेंट था और आज के कमेंट यहाँ पर समाप्त होते हैं, और अंत में मैं यही कहूंगा कि आप लोग प्रयासरत रहें और जो भी आपकी तैयारी चल रही है उस तैयारी को और धार दीजिए और ऊर्जा के साथ लगे रहिए, क्योंकि परीक्षाएं जल्दी ही होने वाली हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो या फिर समीक्षा अधिकारी हो, पीसीएस हो या यूपीएससी, यूपीएससी की देखिए डेट आई गई है, ठीक है, 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा है, और जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि यूपी पीसीएस भी अपनी डेट घोषित करने वाला है, इसलिए किसी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार की ढील, किसी प्रकार की शिथिलता आपकी पढ़ाई में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खामियाजा आपको भुगतना होगा। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, मुझसे 4 गुनी मेहनत आपको करनी है, तभी आप सफल हो पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले संडे में, अगले कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, धन्यवाद।